भोपाल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो है पतंजलि का सामान ले जा रहे ट्रक को जो है लूटने का प्रयास में फिराक में है। तत्क्षण भोपाल पुलिस ने जो है सक्रियता दिखाते हुए नहर पटरी पर पहुंच करके जो है चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इतने में उधर से बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखते ही जवाबी फायरिंग करने पुलिस को देखते ही उन पर जान से मारने की नीयत से फायर शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश जो है पकड़े गए और उनसे जो है भारी मात्रा में जो है सामान बरामद हुआ, जिसमें 3,000 तमंचा है, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस हैं, 3 खोखा कारतूस हैं, 1 अदद चाकू है, 2900 गोलियां जो है अल्ट्रा सेफ की हैं, 1 गाड़ी जो है स्विफ्ट डिजायर फर्जी बिना नंबर की है, और इनकी ही निशादेही पे जो है 30 पेटी जो है मसूली पाक पंतजली का पदार्थ जो है चोरी किया हुआ माल जो है इनसे बरामद किया गया। इन पे जो है उचित धाराओं में मुकदमा पंजीत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। ये शातिर किस इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये इनकी जो कार्रवाई की जो तरीका है वो ये गाड़ियों को ओवरटेक करके उस गाड़ियों को लूट लेते हैं। पतंजलि ट्रक को भी लूटने के फिराक में थे। इस बड़ी घटना को जो पुलिस ने बहादुरी के साथ इसको बड़ी घटना को होने से रोक दिया। लगातार क्या दिनों के अंदर किया है, क्या कहेंगे भोपाल पुलिस के बारे में? भोपाल पुलिस काफ़ी सक्रिय है और अपराधियों जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे हैं जो अपराधियों के धरपकड़ अभियान में ये प्रमुखता से भोपाल पुलिस जो है काम कर रही है और ये बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।